आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क नई दिल्ली, प्रधान सतीश जैन, उप प्रधान योगेंद्र जैन, मंत्री सुशील जैन, सह मंत्री अक्षय जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, भंडारी महाप्रबंधक दीपेन जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। दर्शकों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 4-9 मार्च 2022 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर ग्रीन पार्क दिल्ली में आयोजित हुए भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के विशेष अंश। आज आप देखने जा रहे हैं इस पंच कल्याणक के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के विशेष अंश। सर्व क्षेत्र प्रकृति पारस 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 नाथ में हो रही थी, हो चुकी थी। देवगणों से लेकर मनुष्य संगीत यंत्रों को भी परम उत्साह की अनुभूति हो रही है। एकाएक धराधाम में कुछ अतिशय सा प्रतीत होने लगा। सुगंधी फैलती जा रही है। समस्त संसार के दीप आपलक निहार रहे थे और सबके देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते अति अल्प समय में आ ई ओ री लिरी इन पांच अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय प्रभु को निर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया। योग संपूर्ण हुआ गए निर्वाण प्रभु। ओम ह्रीं परम कोटि एकमंडलत्वे विराजमान अक्षत विराजमान आचार्य विद्वत् श्री सौभाग्य सागर जी महाराज संघ कौंडण्य जलाधि अधिगम पावती स्वाहा। योग सम प्रभु जी निर्वाण उपाया पार्श्व प्रभु जी मेरी जय। नमो नमो नमः ओम अनन्यम सिद्धि भ्यो नमो नमः स्वाहा। पीछे जा सीधे सीधे पीछे जा। प्रस्थान बोधो गति विनाश समाधि वनवान पूजा निर्वाण निद्रा एक निद्रा स्वाहा। शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। जन्म सिद्ध मंगलम सिद्ध लोकम सिद्धेशनम भवजामि ओम शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। नमो सिद्धानम सिद्ध मंगलम सिद्ध लोकम सिद्धेशनम भवजामि ओम शांतिम गुरु गुरु स्वाहा। सर्वे सर्वक्षाम नामपिन विनाशनाय ओम नाम ग्रीम पूर्णा सर्वेषां सर्वजनानां विद्मानादिन सर्वसंघर्षे सर्वयजमानां पूर्ण आहुति स्वाहा। प्रातःकाल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही निर्मल जल की अनुपम धारा से श्री जी का अभिषेक किया गया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की गई। मनुष्यों को आत्म कल्याणक करने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करना जरूरी है और ये कार्य अंतरंग में ज्ञान रूपी ज्योत प्रकाशमान करके ही हो सकता है। ओम नमः ओम नमः शिवाय श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसीतंकराय द्वादशकुलसुखाय सर्वज्ञाय स्वयंभुये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय पुरुषंकराय सत्य ज्ञानाय स्वयं ऋषि आदि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अव्ययोस्माकम् ृत्योंगामचक्रभयपरमंत्रशूलरोगम कुछ ऐसी ही भावना भाते हुए भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। चैत्र कृष्ण पंचम्याम गर्वंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रवजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्ववामि इति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री चंद्र प्रवजनेन्द्राय अर्घ्यम निर्ववामि इति स्वाहा। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम केवल ज्ञान मंडिताय श्री चंद्र प्रवजनेन्द्राय
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इस दौरान भक्तों ने भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस का निरूपण करते हुए भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित किए। एकादशी पार्वती की मन देवी माता जिनकी हर दाती के बल पायो हो पूजन एकादश्याम जितना जिनिंद्राय नमः केवल ज्ञान प्राप्ति अर्घम रूपामी कार्तिक ज्ञान कल्याण प्राप्ति अर्घम रूपामी साथ ही पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भी निर्वाण लाडू एवं शास्त्र समर्पित किया। मोक्ष कल्याण प्राप्ते अनर्घ बल प्राप्ते महार्घं तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें शास्त्र भेंट के साथ गुरुचरणों में आपके। इसी दौरान एक संयम पथ अनुगामी श्राविका भक्त द्वारा दीक्षा की पावन भावना भाई गई और पूज्य गुरुदेव से दीक्षा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया। सब मुझे क्षमा करें, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे आचार्य श्री से निवेदन करती हूँ और मुझे दीक्षा प्रदान करें और मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें आगे। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने पावन जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने का मंगल उपक्रम पूर्ण किया। जब भी काम होता है, अरे वो तो ये तो चाहते ये काम खराब है। बस मैं तो चाहता ये चाहता हूं। ओम श्री हरि 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 आचार्य सौभाग्य सागर चतुर्थ छुल्ली का शुभ मार्ग मती नाम से छुल्ली का शुभ मार्ग मती माता जी की। इसी दौरान नवदीक्षित आरिका माता जी को संयम उपकरण प्रदान किए गए। चलिए आगे है। ओम नमो हिंद्रा मदीश्वी मने केवल ज्ञान दर्शक भुवन दिवासी इदम
ज्ञान प्रण ग्रहण गणा तो साथ ही पूज्य आरिका माता जी द्वारा भक्तों को अपने मंगल आशीर्वाद से अभिभूत किया गया। महोत्सव समापन की ओर बढ़ने लगा और विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया। समापन अर्घ्य समर्पित करने के बाद सभी भक्त सानंद इस महामहोत्सव को संपन्नता की ओर ले जाते हैं। इस दौरान पूज्य गुरुदेव अपने मंगल आशीर्वाद स्वरूप भक्तों को मंगलकारी शुभ भेंट प्रदान करते हैं। पश्चात भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बैंड बाजों की स्वर लहरियों पर थिरकते भक्त, रथ पर विराजमान श्री जी और पीछे अनुशासित परिधान में सजे श्रावक श्राविकाएं। वास्तव में अनोखा नजारा था। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर स्वयं को धन्य मान रहे थे। कोई भक्ति नृत्य कर अपनी भक्ति प्रस्तुत कर रहा था तो कोई जयकारे लगाकर जैन धर्म की प्रभावना कर रहा था।
विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रथ यात्रा मंदिर जी पहुंचती है। जहां नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों को वेदियों पर विराजमान किया जाता है, इसी के साथ नव प्रतिष्ठित जिन बिंबों के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के साथ ये महामंगल पंच कल्याणक यहां विराम लेता है। तो दर्शकों, इस तरह इस पंच कल्याणक का सफर संपन्न हुआ। महोत्सव में सम्मिलित हुए भक्तों ने जो पुण्यार्जन किया वो वास्तव में अद्वितीय रहा। इसी के साथ अब समय हो चला है इस विशेष कार्यक्रम श्रृंखला को यही विराम देने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। केवल चेतन चिंतामणि चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आयोजक जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क नई दिल्ली। प्रधान सतीश जैन, उप प्रधान योगेंद्र जैन, मंत्री सुशील जैन, सह मंत्री अक्षय जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, भंडारी महाप्रबंधक दीपेन जैन एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य।